तो लिए विद्यार्थियों आ चुका है आपके लिए रुक जाने नहीं परीक्षा 2024 का पूरा हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 12वीं का है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि रुक जाने नहीं परीक्षा 2024 का आपका कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, आप स्वयं यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, कवि किसका भार लिए फिरता, तो देखो जग जीवन का भार लिए फिरता है। दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है, तो देखो तुलसीदास जी की पंक्तियाँ है। बाजार कब जाना चाहिए, तो देखो जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। लुट्टन पहलवान ने हराया चांद सिंह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी, यहाँ से आपको देख लेना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर दो को। तो देखो प्रश्न नंबर दो ये लिखा है, बच्चे में होंगे प्रत्याशा में होंगे, यहाँ पर आपको देख लेना है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। सुंदर केकर मास्टर पढ़ाने आते थे मराठी। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए अधिक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं मात्रिक छंद। नभ का अर्थ होता है आकाश। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी प्रश्नों को आप लोग देख लो और इनको पूरा समझ भी लो। यहाँ तक के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ से देख लो, बात की चूड़ी मर जाना इसका अर्थ क्या होता है, बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत की जोड़ी मिल जाएगी सीरीज के फूल से। सिल्वर वेडिंग की जोड़ी मिल जाएगी यशोधर से। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक और उसके बाद में चौपाई छंद क्या होगा, 16-16 मात्राएं। उसके बाद में तत्सम की जोड़ी मिल जाएगी संस्कृत के मूल शब्द से। देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूटता है, तो देखो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो देखो 15-30 मिनट। शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ, तो देखो इसका अर्थ होता है दूसरी शादी कर लेना है। क्रिया विशेषण की विशेषता परिभाषा आपको बतानी है, तो देखो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है जिसमें आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, बिल्कुल सत्य होगा। सीरीज का पुल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। राकल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, ये भी आपका सत्य होगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, बिल्कुल सत्य होगा। और करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, ये भी असत्य होगा। प्रिया बहुत बातुनी में बातुनी शब्द क्रिया विशेषण है, असत्य होगा। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए, जैसे कि बच्चे किस बात की आशा में निडरों से जाग रहे होंगे। और उसके बाद के सभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार के मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो, सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं आप स्वयं इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और टोटली क्वेश्चन आपको यहाँ से नोट कर आपको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आना चाहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के जो जो क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे कि वाले क्वेश्चन हो गए आपके, तुलसीदास अथवा रघुवीर साय का काव्यगत परिचय आपको बताना है। उसके बाद में इस प्रकार के सभी जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आप स्वयं इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप स्वयं इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इनको कंप्लीट कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इनको अच्छी प्रकार से नोट भी कर लिया होगा। तो आप स्वयं इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से नोट कर सकते हो। यहाँ तक के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और आप स्वयं इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इन प्रश्नों को नोट भी कर लिया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर भी आ जाओगे। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।